Assalamualaikum viewers, you are watching Kitchen with Meerab. तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन नगर्स. तो ये चलते हैं क्या रेसिपी की तरफ. व्यूअर्स, जैसे कि आपको बताया कि आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन नगर्स, तो उसके लिए मैंने 5 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के और 1.5 कप में उसके अंदर हम लोग दूध ऐड करेंगे और इसको भिगो के सॉक करके तकरीबन रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए. भिगो के इसको रख देंगे दूध डाल के. जी तो व्यूअर्स, चिकन लिया है मैंने 1/2 kg. तो अब हम चिकन को रेडी करेंगे नगर्स बनाने के लिए. तो 1/2 kg चिकन के अंदर, चिकन का कीमा है ये, तो उसके अंदर 1/2 tablespoon सॉल्ट ऐड कर देंगे. 1/2 tablespoon ही सूखी मिर्च का पाउडर. एक टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट. 1/2 teaspoon काली मिर्च का पाउडर. 1/2 teaspoon ओरिगैनो ऐड करेंगे. और अब इन सब चीजों को इसके साथ ही जो हम लोगों ने सॉक करके अपने ब्रेड रखी हुई थी दूध के अंदर सॉक करके, इसको भिगो के रखी थी, इसको हम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लेंगे. और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि मैंने ब्लेंड करके इसको रेडी करूंगी नगर्स आपके सामने. देख सकते हैं कि ये मैंने इसको ब्लेंडर के अंदर जो है वो ब्लेंड कर लिया. और अब मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ कि ये उसका बिल्कुल स्मूथी सा हो गया ये. तो अब मैं इसके नगर्स रेडी करके आपको दिखाऊंगी. के लिए नगर्स की कोटिंग के लिए जो मैंने इन्ग्रीडियंट्स लेने हैं उसके अंदर है 1 कप मैंने मैदा लिया है, 1 कप उसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे. जितना हमने मैदा लेना है उतना ही कॉर्नफ्लोर ऐड करिएगा. 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून नमक और लहसुन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर. 1/2 teaspoon इसमें लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे. 1 टेबलस्पून सूखी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे. बस अब इसको इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे. हमारा जो चिकन का कीमा है बिल्कुल रेडी हो गया है उसका. तो अब हम इसके नगेट्स के शेप दे देंगे इसको. पहले हाथों को आप लोगों ने ग्रीस कर लेना, ऑयलिंग कर लेनी है अच्छे से, जैसे मैंने किया. अब आपने थोड़ा सा चिकन लेना, इसको अच्छे से बॉल बना लेना पहले. ये नगर्स जो है रेडी, इस शेप में आपने इनको बना लेना. ज़्यादा मोटे ना हो ना ही ज़्यादा पतले हो, नॉर्मल साइज़ जैसे कि आप मार्केट से लेकर यूज़ करते हैं वही होना चाहिए. ये जैसे कि हम जैसे कि ये इस तरह से ये शेप होनी चाहिए आपके नगेट्स की. इसी तरह आपने ये सारे मटेरियल के बना लेने हैं. इसी तरह हमने सारे नगेट्स हैं वो रेडी कर लिए हैं, शेप बना लिए उनकी. तो अब हम इनको 1 by 1 जो है, सबसे पहले हम इसके अंदर जो हम लोगों ने कोटिंग के लिए बनाया है इसके अंदर डिप करेंगे, देन इसको डिप करेंगे अंडे के अंदर. फाइनली इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर और फिर इसको फ्राई पैन में अच्छे से आपने डीप फ्राई करना है इनको. मैं इनको फ्राई पैन में डाल दूंगी. जी तो व्यूअर्स, अब हम इस
इसके अंदर अपने नगेट्स ऐड करेंगे। और तो हमने अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। और का साथ में फ्राई कर लेना दोनों साइड से। अब ये ऑलमोस्ट हमारे नगेट्स फ्राई हो चुके हैं तो हम इनको निकाल लेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। ये हमारे नगेट्स जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। मैंने इनको फ्राई कर लिया। देखिए कितनी अच्छी जो है इनकी शेप और इनका कलर जो है वो आ गया। टेस्ट भी बहुत अच्छा है इनका। साथ केचप के साथ एंजॉय करें, सब खाएं। थैंक यू।